प्यार दे नाल रसना पवित्र करिए फतेह बुलाइए गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी का बख्शी सदका महाराज जी की बख्शिश नाल नवाजी हुई ढाडी कला बाबा नथा ते बाबा अब्दुल्ला जी उन्हां दी सारी ये फुलवाड़ी सवेर दे समय तो लैके ढाडी दरबार सजे हुए ने। सारिया ने बड़ी चढ़दी कला दे नाल बड़े सुंदर तरीकियां दे नाल बड़े चंगे शब्दों के अपने अपनी भावना दे नाल गुर इतिहास किसानी का दर्द अते चढ़दी कला वाली बातां आप जी नाल सांझियां कीतियां ने। सो इसलिए जिन्नी भी दूर तो कोई नेड़े कोई दूरों जिथों जिथों भी चल के आए ने सारे ढाडी साहबान कमिश्नर साहबान सारिया का रोम रोम तो धन्यवाद है। आम तौर पर यह कहा जाता है भी शायद जो गुरु के प्रचारक ने ढाडी साहबान ने ज कमिश्नर साहबान ने यह जिथे माया मिलती है केवल उत्थे जाते हैं आसे पासे होर कि पंथक कार्ज में नहीं जाते। कई लोगों की इदा की सोच होया करती पर अज वड्डी गिणती इत्थे आके हाजरी भरना कोई 200 मील तो आया है कोई 300 किलोमीटर तो आया है सवेर तो चले हुए ने ढाडी साहबान कमिश्नर साहबान और इत्थे आके हाजरियां भर रहे ने। इत्थे कोई माया लैण वास्ते नहीं आया कोई भेटा लैण वास्ते नहीं आया कोई किसी लालच में नहीं आया जिन्हें भी जत्थे इत्थे हाजरी भर रहे ने सारे दिलों में एक किसानी का दर्द है जो पंजाब के लोगों के नाल जमीन के मालिक लोगों जिहड़ा धक्का हो रहा है उस दर्द को लैके किसी भी लालच तो परे होके अपने फर्जा की पछाण करद हो जो मीरी पीरी के मालिक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने ड्यूटी लगाई श्री अकाल तख्त साहब जी तो हजूर दाता की बख्शी हुई ड्यूटी निभाद हो अज समुचे प्रचारक साहबान पंथ के महान विद्वान आप संगत के दरम्यान हाजरियां भर के गए ने आने वाले जत्थिया ने भी हाजरियां भरनिया ने। इसलिए सारे जत्थियों का दिल दहराइया तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है इस मोर्चे की अगवाई कर रहे वीर दीप सिद्धू जी होरें जेडे बिल्कुल अपना उन्हों का एक अपना उन्होंने किता वाहगुरु ने दिता हो अदाकारी दी अदाकारी का काम करते ने फिल्मों में अपना काम करते ने पर एक पासे सारा कुछ छड़ के अपना कैरियर दाते लग गए नहीं तो कलाकार होर भी बड़े उठे सन एक एक अद्धा मिनट सानू जरूर सहज दियो कलाकार होर भी बड़े उठे सन पर किसी ने एक एक दो दिन अगे आके अगवाई की मुड़ के पिछे होके बह गए तो पर दीप सिद्धू जी होरी तकरीबन एक महीने का लगभग समा हो गया है दिन रात इतने डटे हुए ने। इसलिए असी तो हाजरी भरन वास्ते आए हैं तो घर चले जाना है पर फिर भी इन्हों का बड़ा बड़ा हौसला है जेडे दिन रात इतने मोर्चा ला के बैठे हुए ने इन्हों का भी धन्यवाद सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोर्चा इतने ही क्यों लाया गया याद रखना जो खालसा राज की आरंभता हुई बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जब दक्षण तो चले तो जिहड़ा खालसा राज है इस पासे तो ही आरंभ होया और चलता चलता फिर सरहद नूं जांदा है इसलिए उही रस्ता है जिस रस्ते कदे बाबा बंदा सिंह आए और खालसा राज की आरंभता करते गए अज उसे रस्ते विच गुरु का खालसा बैठा होया है। महाराज सफलता बख्शिश करन सारिया संगतां दा धन्नवाद ढाडी साहिबानां दा कौम दे महान विद्वानां ने आप जी दे दर्शन दारे कीते ने दसरियां दे उस्ताद ज्ञानी निर्मल सिंह जी नूर उन्होंने भी आप संगत दे दर्शन दारे कीते ने सारिया का धन्यवाद अते सारी ढाडी सभा वल्लों असी दीप सिद्धू जी होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। अगे तो भी जिथे जिवें उह हुकम करनगे जदों भी समुची ढाडी सभा नूं हुकम करनगे असी इसे तरह तुहाडे मोढे नाल मोढा जोड़ के हर समय खड़न लई तैयार हाँ जिथे आप जी आवाज़ दोगे सारे प्रचारक साहबान इसे तरह हाजरियां भर के आप जी की हौसला अफजाई करनगे सारिया संगतां दा धन्नवाद फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।